दोस्तों आजकल एक एस्ट्रॉयड की खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक 21 मई को हमारी धरती से एक एस्ट्रॉयड टकराने वाला है। दोस्तों वायरल खबर में जो एस्ट्रॉयड को नाम लिया जा रहा है, उस एस्ट्रॉयड का नाम है 1997 BQ। अपोलो सीरीज का यह एस्ट्रॉयड 21 मई को हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। नासा ने भी इस एस्ट्रॉयड को अपोलो श्रेणी में रखा है, क्योंकि यह एस्ट्रॉयड बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे एस्ट्रॉयड जो हमारे लिए काफी खतरनाक और घातक साबित हो सकते हैं, ऐसे एस्ट्रॉयड को अपोलो श्रेणी में रखते हैं। नासा के हिसाब से यह एस्ट्रॉयड अमेरिका के गोल्डन ब्रिज से भी ज्यादा बड़ा है। तो आप सोच सकते हो कि यह एस्ट्रॉयड कितना ज्यादा बड़ा है। जो अगर 21 मई को हमारी धरती से टकराता है तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। सोशल मीडिया पर चल रही वायरल खबरों के अनुसार यह एस्ट्रॉयड 21 मई को हमारी धरती से टकरा जाएगा, लेकिन हमने सच जानने के लिए इस खबर की पड़ताल की और नासा की वेबसाइट को चेक किया और वहां साफ साफ लिखा था कि यह एस्ट्रॉयड 21 मई को 61,56,666 किलोमीटर दूर से गुजरेगा, यानी कि इस एस्ट्रॉयड से हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं है। धरती से टकराने की खबर फेक है, क्योंकि नासा के अनुसार यह एस्ट्रॉयड 61,00,000 किलोमीटर दूर से गुजरेगा और इतनी दूरी से हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण किसी भी एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि 23 मई को एक कॉमेट हमारी धरती के नजीक से गुजरेगा। कॉमेट अगर हमारी धरती से टकराता है तो हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि कॉमेट आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। दोस्तों ऐसी ही अंतरिक्ष से रिलेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और जाते जाते हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।